श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 13। इस अध्याय का शीर्षक है वराह अवतार की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा, मुने, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी सतरूपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदिराज राजर्षि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान है, उन भक्त जनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है। ऐसा विद्वान जनों का श्रेष्ठ मत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विदुर जी सहस्त्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, श्री मैत्रेय जी बोले, जब अपनी भार्या सतरूपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके? पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे हम इन लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सदगति प्राप्त हो। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात, हे पृथ्वी पते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए इस प्रकार कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। हे वीर, पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहां तक बने उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन में मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। श्री मनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बताइए। हे देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूब गई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि मैं इसे कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई है। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करें। निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नाशा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। भारत, बड़े आश्चर्य की बात तो यह हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनक आदि और स्वयंभू मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। अहो, सूकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहां प्रकट हुआ है?
कैसा आश्चर्य है, यह अभी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो यह अंगूठे के पोरुए के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक ही क्षण में बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्रीहरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली मायामय वराह भगवान की घुघराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे सूकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटफटाकर खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थीं और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि सूकर रूप धारण करने के कारण उनके नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थीं। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की ओर बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्र में पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्द्र स्वर से हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो इस प्रकार पुकार रहा हो। तब भगवान यज्ञमूर्ति अपने बाण के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जलराशि के उस पार पहुंच गए। वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रय भूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्रीहरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वह जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आ गए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महाप्रतापी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थूथनी और कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ रहे थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मार कर आया हो। हे तात, जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नीलवर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा, मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही है। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, हे भगवान अजित, आपकी जय हो, आपकी जय हो। यज्ञपते, आप अपने वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह सूखा रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। हे देव, दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत और चारों चरणों में होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋत्विजों के कर्म हैं। हे ईश, आपके मुख के अग्रभाग में श्रुत है, नासिका छिद्रों में श्रुवा है
उदर में इडा यानी यज्ञीय भक्षण पात्र है, कानों में चमस है, मुख में पाशित्र अर्थात ब्रह्मभाग पात्र है और कंठ छिद्र में ग्रह अर्थात सोम पात्र है। भगवान, आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है, बार बार अवतार लेना। यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षणीय ईष्टि है, गर्दन उपसद, दोनों दाढ़ें प्रायणीय और उदयनीय है। प्राणीय का अर्थ होता है दीक्षा के बाद की ईष्टि और उदयनीय का अर्थ होता है यज्ञ समाप्ति की ईष्टि। जिह्वा प्रवर्ग है और सिर सभ्य और अवासत्य है तथा प्राण चिति अर्थात इष्ट का चयन है। हे देव, आपका वीर सोम है, आसन प्रातः सवनादि तीन सवन है, सातो धातु अग्निष्ठोम अत्यस्निष्ठोम उत्थ षोडशी वाजपेय आतिरात्र और आप्तोर्याम नाम की सात संस्थाएं हैं और शरीर की संधियां संपूर्ण सत्र हैं। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ और क्रतु रूप है। यज्ञानुष्ठान रूप इंद्रियां आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां हैं। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों को नोक पर रखी हुई यह पर्वतादि मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्रयुक्त कमलिनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेदमय वराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। हे नाथ, चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरणि में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभो, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता था, किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्चर्य हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आपने ही तो अपनी माया से इस आश्चर्यमय विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेदमय विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। हे ईश, उनसे भीग कर हम जनलोक तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई होगी, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार नहीं है। आपकी ही योग माया के सत्वादि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विश्वक्सेन प्रजापति भगवान श्रीहरि अंतर्ध्यान हो गए। विदुर जी, भगवान के लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्तिभाव से सुनता या सुनाता है उनके प्रति भक्तवत्सल भगवान अंतस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली
भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के अंतर्गत 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।